अभी अभी मेरी रिक्वेस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगी कि आप तमाम लोग, पहला जो मेरा उसका ऑब्जेक्टिव है बस उसके ऊपर मुझे सिर्फ आप हर हर बंदा बता दे कि आप लोगों के नजदीक इंपॉर्टेंस ऑफ सीवी क्या है। सर कहना है मैं बताऊं? जी प्लीज प्लीज आप बता रहे थे, आप जी बताएं प्लीज। सर देखें, सीवी वो चीज होती है आपकी लाइफ में जो कि जिस जिंदगी से या जिस आप जो आपने एजुकेशन की है या जो भी आपने जिंदगी में कोई भी एक्टिविटी कोई भी चीज जो आपकी अचीवमेंट जो आपके दूसरे सामने वाले में स्किल नहीं है वो आप में उस चीज को आप सीवी में लिखते हैं। अदर देन दैट सीवी आपको मतलब अगर आपके पास जिंदगी में अगर अच्छी सीवी होगी और सीवी में अच्छी चीजें अच्छी करियर के बारे में लिखी होगी तो आप एक अच्छी पोजीशन पे आपको जॉब मिल सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो और गया, अब ठीक। काफी ठीक है सर। जी प्लीज नेक्स्ट। मैं भी सर डिस्कस करना चाह रही थी सीवी के इम्पोर्टेंस। सीवी इज द रिटन फॉर्म ऑफ योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट। बेसिकली आप जब कभी भी जाते हैं किसी भी फॉर्म वगैरह में तो उसमें आगे वाले बंदे को नहीं पता होता कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन या क्या एबिलिटीज हैं, तो ठीक हो हमें गया, उसमें सीवी के जरिए भी हम बताते हैं कि हमें क्या आता है और हम क्या कर सकते हैं, तो आगे वाला ठीक हो अगर गया, सीवी अच्छी होगी हाँ अट्रैक्टिव लगेगी तो आपको हायर करेगा। डन हो गया, ठीक हो गया, नेक्स्ट। प्योर जी इमरान साहब, सीवी की इम्पोर्टेंस ये है हमारे लाइफ में कि सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट के 2 या 3 पेजेस में आपने अपनी 16 इयर्स या प्लस एजुकेशन, आपके जो एक्सपीरियंस है जो आपका फर्ज करे 5 to 10 years है, तो आपने तमाम 20-25 साल की चीजों को समराइज करके प्रेजेंट करना होता है कि आपकी ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो बिल्कुल आप ठीक, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके तमाम मतलब 20-25 सालों की चीजों को 2 या 1, 2 या 3 पेजेस में देख के वो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने क्या किया है और उनको क्या जरूर किस मतलब टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है वो आप उसमें फिट करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, नेक्स्ट। जी कोई और? एनीवन एल्स? चले जी, आप अपनी उस पर स्लाइड पे आते हैं प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। श्योर। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं तमाम पार्टिसिपेंट्स को कि असल में ना हम लोग बहुत सारे जॉर्गल्स में फंस जाते हैं ना, सीवी रिज्यूमे प्रोफाइल ये वो सारा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो असल जो प्रोफेशनल लव्ज यूज होता है उसे हम सीवी ही बोलते हैं, ठीक है। वो असल में वो क्या है, बेसिकली ये ब्रिटिश काइंड ऑफ जिसे डॉक्यूमेंट है जिसमें वो अपने तमाम आपके अचीवमेंट्स को पिक्स करना होता है, ठीक है। अगर आप रिज्यूमे पे चले जाएं तो रिज्यूमे एक शॉर्ट शॉर्ट वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में लेंथ का फर्क है, ठीक है ना। सो आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, आप सीवी को रिज्यूमे बोल सकते हैं, रिज्यूमे को आप सीवी बोल सकते हैं। तो आपने प्लीज आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा अब इसका पर्पस क्या है, बहुत से लोगों ने बड़ी खूबसूरत बातें की। याद रखिएगा सीवी का पर्पस ये होता है कि आपने बताना होता है कागज में कि आप हैं कौन, बट यू आर, ठीक है। आपके स्किल्स क्या है, ठीक है, आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या है और आपके अंदर वो कौन से सेलियंट फीचर्स हैं, वो कौन सी यूनिक चीज है जो आपको क्राउड में जो है ना वो आपको एक अलग आइडेंटिटी देती है, ठीक हो गया। सो याद रखिएगा कि सीवी बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी जिंदगी के तमाम डॉक्यूमेंट में से वाहिद ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टैटिक नहीं है। आपका डोमिसाइल स्टैटिक होता है, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट स्टैटिक है, एक दफा हो गया हो गया। इसी तरह से आपका जो आपका FSC का सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो वंस आपको लाइफ में मिलता है, ठीक है। इसी तरह से आपको MBA की डिग्री वंस मिलेगी, बट आपका जो वाहिद लिविंग डॉक्यूमेंट में बन जाता है आपके प्रोफेशनल करियर में वो कौन सा होता है, वो आपकी सीवी होती है। अग्री करते हैं ना इस बात से आप लोग? बिल्कुल ऐसे ही है। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें अपना जी। अच्छा ये मैंने उर्दू में भी इसलिए लिखा है, देखिए हमारा एक बात आप तमाम याद रखिएगा कि आप लोग प्लीज इस बात के लिए बिल्कुल कॉन्शियस ना हो कि यार इंग्लिश नहीं बोली तो पता नहीं क्या मत आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप बिल्कुल आपको बायोलिंगुअल होना चाहिए, आपको इंग्लिश भी उतनी अच्छी आनी चाहिए जितनी आपकी अच्छी उर्दू भी पसंद है, बट ये कि आप इसको बिल्कुल अपना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना बनाइए, ठीक है ना। मेरे पास ऐसी हजारों केस स्टडीज मौजूद है और मैं आपको दुनिया के ऐसे कई मुल्क दिखा सकता हूँ जिनकी नेशनल लैंग्वेज ने उनकी इकोनॉमी को और उनके उनके जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि कोई पार्टिसिपेंट्स में पढ़ दे, उर्दू की सबको नजर आ रही होगी जी, क्या लिखा हुआ है, सीवी क्या है, उर्दू में क्या लिखा हुआ है? मैंने जी पढ़े, मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हर शख्स के लिए एक लाजमी और अहम दस्तावेज, आपकी जिंदगी, तालीम, हुनर और मुलाजमतों का खुलासा जो एक या दो सफहात पर मुश्तमिल हो, इसी की बुनियाद पर मुमकिना मुलाजमत देने वाला इदारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने पर मायल होता है। इंटरव्यू के दौरान ये एक गुफ्तगू के महवर का काम देता है। और लास्ट पॉइंट है कि सीवी मतलूबा मुलाजमत के लिए आपकी सलाहियतों के मखसूस पहलुओं को उजागर करता है। अच्छा रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जब कहीं भी अपनी सीवी सबमिट करते हैं तो आपको ये बता दूं आपके इंटरव्यू का 80% उस सीवी के अराउंड होता है। एक बात इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है, हो सकता है कि आप अगर आपने अगर अप्लाई किया है सॉफ्टवेयर सेक्टर में तो शायद उनका और पैटर्न होगा सीवी का। अच्छा अगर आपने डेवलपमेंट सेक्टर में अप्लाई किया तो डेवलपमेंट सेक्टर की सीवी बहुत बड़ी होती है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर से, एक और मेरे दोस्त ही अपने पार्टिसिपेंट मौजूद है, तो हमारी 20-20, 30-40 सफरों की सीवीज भी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है भाई 4 सफर सुपर पढ़ने के पास टाइम नहीं है। लेकिन जो भी सेक्टर है, जो भी इदारा है, याद रखिएगा जब वो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो आपकी सीवी सामने रखता है। वट एवर यू हैव मेंशन्ड इन दैट सीवी, दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ योर इंटरव्यू। आपने उसमें ये लिख दिया गलती से एक नुक्ता कि आप बड़े मतलब आप बड़े एक्सपर्ट हैं ऑफिस इक्विपमेंट चलाने के ऊपर, और वो आपसे यही पूछ लें अच्छा ये बताएं नेटवर्किंग कैसे करते हैं, और अगर आप वो बता ना सके तो दैट बिकम्स द क्वेश्चन मार्क कि यार इसमें लिखा तो है कि हर तरह के ऑफिस इक्विपमेंट यूज किया, हर तरह के मैं नेटवर्किंग कर सकता हूँ। सो याद रखिएगा ये वो डॉक्यूमेंट है कि जिसको बनाने से पहले आपके पास अपने तमाम पर्टिकुलर्स मौजूद हो, आपको पता हो कि आपने क्या क्या चीज में दी देनी है, और जो चीज आपने देनी है वो आगे टेस्टिफाई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा ये बड़ी अहम चीज है, मेन एलिमेंट्स ऑफ द सीवी जो होते हैं ना, ये बहुत डिपेंड, ये बहुत आपकी सीवी को अपलिफ्ट करने में डिपेंड कर रहे होते हैं। एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट विल असेस पढ़ के बताएं वन बाय वन। कैन आई सर? जी प्लीज। टाइटल, उनवान, ऑब्जेक्टिव, मकासिद, एजुकेशन, तालीम, एक्सपीरियंस, पेशा वराना काम की तफसील, इंटरेस्ट या हॉबीज, दिलचस्पियां और रेफरेंस, हवाले। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे लगता है आज मेरे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफी मतलब उनकी एनर्जी लेवल लो है, क्या मेरा ख्याल है मैं उतना आप लोगों को एनर्जी नहीं दे पाया? एनीथिंग एल्स, कोई परेशानी तो नहीं है भाई, थक तो नहीं कि एक-एक चेहरा बार-बार देख के? नो सर। आपके अलावा बाकी तो पूछ रहा हूं। नहीं सर ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वी आर लिसनिंग यू वेरी केयरफुली एक्चुअली। ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुने मेरी बात सर, हौसले बुलंद है। अच्छा गुड, जबरदस्त। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि याद रखिएगा जब आपकी सीवी होती है ना उसके ऊपर एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है टाइटल, उसे लिखते हैं वो आपका नाम होता है, ठीक है। आपके नाम के टाइटल के नीचे आप अपना खास एक, जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लिखता हूं सैयद इमरान अली शाह डेवलपमेंट एक्सपर्ट, ठीक है, या कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट, ठीक हो गया। तो ये मेरा टाइटल क्या पिच कर रहा होता है, दूसरे को पता होता है कि यार ये बंदा इस काम का माहिर है। अच्छा ये सीवी का मैं आपको बता दूं एक बात, फिर मैं बता दूं आपको वंस अगेन कि कोई भी चीज हरफे रखी है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपना कोई अपना इनपुट देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, टाइटल आपकी सीवी का जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो जब आप लिख रहे होते हैं वो आप अपने आप को रेट कर रहे होते हैं, ठीक है।
मतलब supposedly कि आप एक जगह वर्किंग मैनेजर हैं और आपने इतना लिख दिया कि आप मैनेजर ऑपरेशन, सैयद इमरान अली शाह मैनेजर ऑपरेशन, इट मींस यू हैव गिवन अ टाइटल मैनेजर टू योरसेल्फ, तो जो वहां से लेने वाला रिसीविंग एंड पे होगा वो आपकी सीवी को एज पर मैनेजर रेट जरूर करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम आ जाए ऑब्जेक्टिव, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव की बात हुई ना तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि लोगों ने खुल के बात की कि सर हमने कोई गोल कोई ऑब्जेक्टिव हमें समझ नहीं आ रहा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑब्जेक्टिव आप जब सीवी बनाएंगे ना भाई उधर देना मस्त है, उसकी वजह क्या होती है, दिस इज ऑल अबाउट बीइंग प्रोफेशनल, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल आउटलुक के लिए जब आप किसी भी मतलब कंपनी में इदारे में अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ये देख रहे होते हैं कि यार इस बंदे ने अप्लाई किया है इसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, मतलब ये कैसा प्रोफेशनल है, लाइफ के अंदर कोई अपना ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया हुआ, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो आप अपना ऑब्जेक्टिव जरूर लिखें, ठीक है। जिस तरह सपोजिटली एक सिंपल सी बात है मैं आपको बता दूं कि जी आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जी आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स हाई मतलब हाई काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई एक्सपर्टीज, ठीक है, टू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इट मीन्स कि आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर, ठीक है, तो आपकी सीवी में आपका ऑब्जेक्टिव पिच होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कि यू आर लैकिंग अ थिंग दैट शुड हैव बीन मेंशनड, ठीक है ना, जिसका हमें पता होना चाहिए था। प्लीज बैक टू द लास्ट प्रीवियस, ठीक है। अच्छा एजुकेशन आप अपनी बताएं, याद रखिएगा हमेशा अपनी टॉप रैंक्ड एजुकेशन बताइएगा। अगर आप MBBA हैं, आपने 7 सेमेस्टर कर लिए हैं, 8वां सेमेस्टर आपका जारी है, तो आप लिख देंगे के मतलब के BBA 8th semester और मतलब कैरेड ऑन, ठीक है। अच्छा अगर आपने एग्जाम दिया हो तो अवेटिंग रिजल्ट, तो अपना अवेटिंग रिजल्ट लिखना है, लेकिन हमेशा अपना पैटर्न ये रखें कि हाईएस्ट एजुकेशन पहले, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद फिर उससे कम, सबसे पहले एजुकेशन देती है। और उससे क्या होता है ये इसको हम रिवर्स पैरामिड बोलते हैं, उससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉयर को देखने में आसानी होती है यार इस बंदे की एजुकेशन कहाँ तक है, ठीक है, और ये हमें कितना हमारे इस रेलेवेंट जो हमारी रिक्वायर्ड जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उससे कितना मैच कर रहा है। एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता दूं कि आपने अगर 3 महीने की इंटर्नशिप की हुई है तो प्लीज मेंशन दैट इंटर्नशिप इन पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, उसको आप ऑब्लिक, अगर आप चाहें कि आप बहुत खुल के बात करना चाहते हैं तो आप लिख दें एक्सपीरियंस ऑब्लिक इंटर्नशिप लिख दीजिए, उसमें आप लिख दें I have an experience of three months internship in this sector और मुझे वहां वहां सीखने को मिला। अच्छा इसके अंदर एक और पार्ट होता है इंटरेस्ट एंड हॉबीज, सर आपका इंटरेस्ट क्या है? सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ सर, लाइक एक्सपीरियंस में तो चलो हमने जो पिछले जो कुछ हम जॉब से रिलेटेड करके आए जो हमने कोर्सेस किए होते हैं, लाइक मेरा CFA का कोर्स चल रहा है, तो वो जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है या वो जो हमने किया है तो वो हम एक्सपीरियंस में लिख सकते जी? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी इधर आपको रेफरेंस के बाद उसमें जा रहा था क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन सिर्फ बिल्कुल बेसिक किया हुआ था। आपको बताऊं उसके अंदर आप लिखते हैं, उसके अंदर एक अलग पोर्शन होता है, अलग टैब लिखते हैं बनाते हैं, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास, अलग से आप एक उसका जी बिल्कुल उसको अलग से मेंशन करेंगे, क्योंकि जब मैं कहीं बैठता हूँ पैनल के अंदर तो मैं देख रहा होता हूँ कि यार इस बंदे ने अलग से अदर देन मास्टर्स और अपनी डिग्री के अलावा कौन से डिप्लोमा किए हैं, इसका इंटरेस्ट किस किन एरियाज में है। और एक बात बताऊं मैं आपको, यकीन कीजिए कि अगर आपने वो सर्टिफिकेशन की और कोई अच्छा मैनेजर ऑब्जर्वेशन करने के लिए बैठा हो तो आपको उसका बाकायदा नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड हॉबीज, आप में से आपको क्या लगता है ये इंटरेस्ट एंड हॉबीज क्यों लिखी जा सकती है, इसमें क्यों लिखी जानी चाहिए? सर साइकोलॉजी चेक करने के लिए, एक हो गया जी। नेक्स्ट कोई और बताएं। देखें सर आई थिंक हॉबी से ना सॉरी हॉबी से पता चलता है कि बंदे की मतलब आई एम सॉरी आई डोंट नो बट हां ठीक है बोलिए सही बोल रही हैं।
फिर हॉबीज ना बेसिकली ज्यादातर लोग टीवी देखना होता है, मोबाइल यूज करना, हमारी कोई अच्छी हॉबीज होती नहीं है। बट अगर हमारी कोई अच्छी हॉबीज हो, अगर हम उन्हें मेंशन करो, सम टाइम मैंने देखा है कि हॉबीज के अगेंस्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं, जिसने झूठ लिखा होता है उसके क्वेश्चन में, तो फिर वहां वो फंस भी जाता है। चले मैं आपको टिप दे रहा हूँ, सबको टिप दे रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। हॉबीज का फायदा क्या होता है? हॉबीज लिखने का फायदा ये होता है, जिस तरह मैंने अपने एक जगह मतलब अपने एक सीवी में लिखा होता है एक दफा कि मुझे राइटिंग का, मुझे आर्टिकल राइटिंग का शौक है, तो वो जहां मुझे जॉब मिली तो वहां प्रोजेक्ट में एक हमारे पास पोर्शन था कम्युनिकेशन का, तो उन्होंने मुझे उस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट का भी हेड बना दिया। उन्होंने कहा यार ये बंदा, क्योंकि इसकी हॉबी है मतलब राइटिंग करना, आर्टिकल राइटिंग करना और इश्यू बेस्ड रिपोर्टिंग करना, तो ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट कर सकता है, एंड दैट पेड मी अलॉट। ठीक है, तो अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट जो अच्छे हैं पॉजिटिव है, प्लीज को पिच करें, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू पे यू। अगला जो बड़ा अहम तरीन मेरे हिसाब से सीवी में मेंशन किया जाने वाला, जिसको हम लिख देते हैं विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, दैट डोंट वर्क्स। ये रेफरेंसेस, लोग रेफरेंस से चेक करते हैं कि किस तरह के लोगों से आपके ताल्लुकात रहे हैं, किस तरह के आपके अपने एक्सपीरियंस रही, आपका जॉब हिस्ट्री क्या है। लोग आपके रेफरेंस से चेक कर रहे होते हैं कि आप पर्सनली लोगों से लेन देन में कैसे हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स में कैसे हैं। सो द रेफरेंस इज द थिंग दैट इज बीइंग ऑलवेज वेरीफाइड। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका रेफरेंस चेक हुआ होगा जब उनकी जॉब हुई होगी। मैं 10 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ, 10 की 10 ने मेरा रेफरेंस चेक किया, और हमेशा रेफरेंस चेक की बेसिस के ऊपर ही जॉब फाइनल आपको मिलती है। नेक्स्ट प्लीज। सर हम रेफरेंस किस तरह लिख सकते हैं, एक एग्जांपल कोई? अच्छा, ये बताएं कि आप अभी आपने कहीं की, मैं एक इंटर्न की बात कर रहा हूँ, आपने इंटर्नशिप की और आपने अच्छी इंटर्नशिप की, जहाँ आपने इंटर्नशिप की वहाँ का इंटर्नशिप का जो आपका सुपरवाइजर था उसने, उस तरफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसने कहा जी मैं इस बंदे को जानता हूँ और ये बंदा बड़ा मेहनती है, डर डरना से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से क्या करेगा, ये उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ कि फॉर्मेट ऑफ द सीवी क्या होता है, कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपकी सीवी को डिफाइन कर रहा होता है कि इस बंदे का ऑब्जेक्टिव क्या है एज एन प्रोफेशनल। देन फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं। यार मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि प्लीज, एक तो अपना आपना जो भी चीज मेंशन करें वो आप मेंशन करें एज पर योर मैट्रिक सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका नाम स्पेलिंग जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर है वो यहाँ टैली होते हैं, इसी तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड है वो उस पर टैली होता है। ठीक है, इसी तरह से आपके कुछ समटाइम्स होता ही है कि आपका मतलब आपके पास आपकी CNIC के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है कि जी आपका जो हमारा पता है वो ये है, तो पता भी आप वही दें जो आपका वेरीफाइड हो। ठीक है, क्योंकि अब होता है अभी भी हालांकि ऑब्सोलीट हो चुका है अपना वो सिस्टम के लेटर वाला सिस्टम, बट फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी कॉल लेटर्स आपको थ्रू अपना मेल और थ्रू अपना कुरियर भेजते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपकी एजुकेशन, भाई मैंने आपको बता दी कि आपने उसका तरीका काज रखने का, टॉप पे आपने रखनी है अपनी लेटेस्ट और बॉटम पे रखनी है आपने ओल्डेस्ट। ठीक हो गया, उसके बाद एक्सपीरियंस का भी यही तरीका कार है, ऑन टॉप आप जो लेटेस्ट काम करें आप वो दिखाएंगे, उसके बाद फिर अपनी हॉबीज और फिर रेफरेंस एज पर सीवी फॉर्मेट। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा मैंने आपको एक बिल्कुल मैंने रॉ हैंड किस्म की आपको सीवी का फॉर्मेट दिया हुआ, यहाँ सबको नजर आ रहा है? यस सर। मुझे सर दो, ठीक है सबको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। यस सर, यस सर। जी ये वो ऑब्जेक्ट, ये वो अपना फॉर्मेट है, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह अपना इनसे सागर से कि जब भी हम यहाँ से खत्म करेंगे सेशन को तो ये आप लोगों को पर्सनली कुछ बिल्कुल बिल्कुल जो बेसिक है ना सीवी का फॉर्मेट वो आपको भेज देंगे। अच्छा सबसे ऊपर आपका वो टाइटल नेम आपका आ गया, आप अपना नाम लिख दिया, आपने नीचे अपना ऑब्जेक्टिव दिया। अब ऑब्जेक्टिव क्योंकि बड़ा जेनेरिक है जी, टू वर्क इन चैलेंजिंग एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ गुड करियर एंड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव योर ऑब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ ऑब्जेक्टिव उसने बता दिया कि मैं चैलेंजिंग और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना चाहता हूँ और मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना चाहता हूँ, सपोर्ट करूंगा। सो होता है कि उससे उनको लग जाता है यार कि बंदा चाहता है कुछ करना। ठीक है, फिर उसके बाद उसका नाम, डोमिसाइल नंबर,
सीएनआईसी डोमिसाइल या सीआईसी नंबर डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल होता है, सीएनआईसी नंबर होता है आपका, डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है, आपको अपना रिलीजन बताना होता है, आपको अपना नेशनलिटी बतानी होती है, पोस्टल एड्रेस लिखना होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप नीचे सेम लिख देते हैं, वरना अगर आपका मतलब करंट एड्रेस डिफरेंट है और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप उसको जो आपका करंट होगा उसमें आप परमानेंट एड्रेस में परमानेंट और जो जहाँ मौजूदा उसमें मौजूदा लिखेंगे। सेल नंबर लिखेंगे अपनी, आप क्वालिफिकेशन बताएंगे, ठीक है, नीचे आप अपना बता देंगे कि आपकी कौन सी अपनी एक्सपर्टीज है, मतलब आपके पास कौन सा स्किल है कंप्यूटर के अंदर, फिर एक्सपीरियंस क्या है। नेक्स्ट प्लीज। जी ये जो सेशन था ये बेसिकली बिल्कुल दिस इज जस्ट लाइक एन ओरिएंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी मेरे पास क्योंकि अभी और को मुझे जल्दी में और कोई चीज मिली नहीं, तो मैं आपको अपनी सीवी जरा मतलब जस्ट वो एक मेरी थोड़ी सी पुरानी सीवी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरह से जब हमने स्टार्ट लिया या फिर हमने कैसे उसको स्टैटिक डॉक्यूमेंट को हमने कैसे अपडेट किया। अच्छा जी, ये मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मेरी पहली। फिर उसके बाद कौन कौन सी सिलियंट एबिलिटीज एंड स्किल्स है मेरे पास, मैंने कहा किन किन खास अपना उसमें काम किया हुआ है, जिसे बोलते हैं कि मेरी कौन कौन सी नीश है जहां मैंने काम किया। थोड़ा इसको स्क्रॉल करें प्लीज। जी अच्छा, ये मैं आप सबको बता दूं जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, ये सोशल सेक्टर की सीवी है, ठीक है, ये डेवलपमेंट सेक्टर एनजीओ सेक्टर की सीवी है, ये सिंक भी है उससे अपना ब्राइट स्पायर से, ठीक है। सो अब ये हमारी जो सीवी होती है वो थोड़ी सी लंबी डिटेल्ड होती है, इनडेप्थ होती है, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर की 3 से 4 पेजेस की होती है, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से बनानी, आपने मैं तो आपको सिर्फ जस्ट एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि सीवीज में हम क्या क्या तक मेंशन करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको समरी ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि प्रोग्राम डिजाइनिंग कर लेता हूँ मैं, मार्केट लिंकेजेस कर लेता हूँ, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने काम किया हुआ है, तो वो सारा मेरा जो भी मेरा समरी ऑफ एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर पिच कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट वाला स्क्रॉल कीजिएगा प्लीज। अच्छा, अभी मैं जो लेटेस्ट जॉब अपनी कर रहा हूं, अभी जो मेरी जो असाइनमेंट ऑन गोइंग है प्रोविंशियल मैनेजर की, वो मैं ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, कि मैं ये मैं काम कर रहा हूं। सो उससे क्या है कि जो देखने वाला है उसको पता है कि इस वक्त ये किस जगह मौजूद है, ठीक है। प्लीज स्क्रॉल डाउन, ठीक है, ये मेरे डिफरेंट फिर मेरी क्वालिफिकेशन आ गई इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हमें अपने सेक्टर के अंदर देना पड़ता है थोड़ा सा ओवरव्यू अपने काम का। मैं आप तमाम को बता दूं, आप तमाम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं तकरीबन आपके तमाम के तमाम होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के, तो आप लोगों ने अपनी सीवी को 3 से 4 पेजेस के अंदर पिच रखना है, ज्यादा नहीं जाना उससे आगे, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में उनके पास टाइम नहीं होता। हमारे डेवलपमेंट सेक्टर लोगों पर बड़ा एम्पल टाइम होता है चीजें पढ़ने का, तो लंबे लंबे डॉक्यूमेंट वैसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने क्रिस्प डॉक्यूमेंट बनाना है। प्लीज इसको स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे लेके जाइएगा जरा जी। अच्छा, मेरी सीवी का एक मैं आपको चीज जरूर दिखाना चाहूंगा, सर प्लीज ले जाए नीचे, जिसपे मैं चाहूंगा डिस्कशन भी करें हम लोग, ठीक है, ले जाए सर, ले जाए। अभी आप पास आप इसमें टैब नजर आएगा आपको अपना सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास, उस पर जाके आपने रोक देना है। अच्छा, बस ऊपर कीजिएगा। अच्छा जी, ये तो कुछ मेरे कुछ डिप्लोमास हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। अभी आपने एक सवाल बड़ा खूबसूरत किया था कि सर हम उसको देखिए, उसका एक अलग टैब होता है। अब मैंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल डिप्लोमास किए हैं, इनमें से लोकल कोई भी नहीं है, सारे के सारे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड और सब के सब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मैंने किए हैं, ठीक है। अब इन डिप्लोमास से क्या होता है, ये डिप्लोमास जब आपका कोई एम्प्लॉयर देख रहा होता है ना, वो कहता है यार मतलब इस बंदे के पास, उसको ये भी पता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के अंदर कौन कौन सी सब जो है बहुत इन है, ठीक हो गया। तो हम आप अपने प्रोफेशनल डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स को एक एसेट समझें, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं, प्लीज अपनी डिग्री के ऊपर रिलाय ना कीजिएगा, आप आगे से आगे नए से नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर करते रहें, आप नए से नए अपने लिए ना आप विंडोज खोलते रहें, ठीक है ना। अब अभी आप CFA अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप और कई लोग जितने हैं भाई, अगर आपने अगर आप अच्छे मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग के अंदर डिप्लोमास करें, अगर आप फाइनेंस के अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं फाइनेंस में डिप्लोमास करें। अब मैं आपको अपना एक डिप्लोमा बताता हूँ कि मैंने यहाँ डिप्लोमा किया था कि सर्टिफाइड
becoming a manager coach, कि अपने अपने अपनी टीम को कोच कैसे करना, एज ए मैनेजर अपनी टीम को अपने कोच कैसे करना. फिर इसने सर्टिफाइड मैनेजर अपना अपना स्टाफ केयर फॉर मैनेजर, कि बीइंग मैनेजर मैंने अपने स्टाफ की केयर कैसे करनी है. ठीक है, आप यकीन करें इन दोनों डिप्लोमा ने मुझे बहुत फायदा दिया. मेरी मुझे जिसे कहते हैं ना कि मतलब दैट हैज डन अ लॉट फॉर मी. ठीक है, सो आप लोग जितने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स करेंगे दे आर गोइंग टू पे. ठीक है सागर, थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, सॉरी जी, थोड़ा ऊपर ऊपर लेके जाइए, थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे बस यहाँ रुक, यहाँ रुक जी. अच्छा थोड़ा नीचे लेके जाए, हाँ थोड़ा सा ऊपर करें, डिजास्टर रिस्पॉन्स थोड़ा ऊपर लेकर. अब देखिए मेरी बात सुने, मैंने अपनी एक नीश बताई थी, मैंने अपना एक बताया था, मेरी एक एक्सपर्टीज है क्या, मैं डिजास्टर रिस्पॉन्स में मैंने बहुत काम किया. अब आप ये देखिए कि मैंने उसको अलग से एक अपना सेलियंट फीचर करके बताया. ठीक है, और मेरा वो जो सेलियंट फीचर है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान टेस्टिफाइड है. और मुझे एक ये भी अपना जिसे कहते हैं ना, मेरे एक वो भी बड़ी खुशकिस्मत की बात थी कि प्लान इंटरनेशनल पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल रोस्टर था डिजास्टर मैनेजमेंट का, मैं उसका टीम मेंबर था. ठीक है, तो हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ कि मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने उसको पिच किया, मैंने जो कुछ भी अटेन किया मैंने उसको अपनी सीवी में पिच किया. ठीक है, थोड़ा सा आप एक काम करें, जरा लास्ट पे जाएं, रेफरेंसेस पे जाइएगा सबसे लास्ट में जी प्लीज. अच्छा एक मिनट रुके, जरा सर्वेस और बेसलाइन पे रुके, थोड़ा ऊपर जी, थोड़ा सा ऊपर बस जी. ये मैंने कुछ कुछ सर्वेस कंडक्ट किए थे, कुछ बेसलाइन सर्वेस स्टडीज कंडक्ट करवाई थी, इवन मैंने वो भी पिच किए. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आप लास्ट पे जरा ले आए ताकि सबको मैं एक उस पे ले आऊं. सर इस पे सर हम जी सर हम प्रोजेक्ट्स जो करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में जी जी, तो वो भी ऐड करने चाहिए सीवी में, मतलब जितने भी हैं. देखें आप मेरी बात सुने, आप सबके लिए सीवी को मैंने पहले ही बता दिया कि दैट इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, दैट इज अ लाइव डॉक्यूमेंट. तो आप अपनी सीवी के अंदर जो कुछ अपने आप को सेल आउट करने के लिए, सीवी आप बना क्यों रहे हैं यार, आपसे पहले आपकी सीवी पहुंच रही है ना एम्प्लॉयर के पास, ऐसे ही है ना. एग्जैक्टली सर, कहां है बाकी पार्टिसिपेंट्स, नाराज तो नहीं हो गए? यस सर ये होता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है ना वो सीवी ही देती है वहां पे. डन, बिल्कुल. अब आपने अपनी सीवी को ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है यार कि जिसके सामने जाए ना वो कहेगा यार ये बंदा हमारे यहाँ से जाना नहीं चाहिए भाई, ये तो यार ये तो बड़ा जेम है, ये तो मतलब प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है, ये क्रिएटिव भी है, ये कंटेंट डेवलप भी कर सकता है. ठीक है, ये रिव्यूज भी कर सकता है. सो आपकी सीवी आपका पहला वो डॉक्यूमेंट बन जाती है जिससे आपका इंटरेक्शन होता है इनडायरेक्टली विद द एम्प्लॉयर. ठीक है ना, और एक मैं आपको बता दूं एक बात, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं लॉन्ग लिस्टिंग एक चीज होती है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है. मैं आपको इस पर भी बताता हूँ, आप इसको बता सकते हैं लॉन्ग लिस्टिंग क्या होती है? लॉन्ग लिस्टिंग जो है, सबसे पहले सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एक लिस्टिंग की जाती है, देन उनके इंटरव्यूज हेल्ड किए जाते हैं. आफ्टर दैट जो ज्यादा हमारे एलिजिबल हो फॉर दिस पोजीशन उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, एंड देन आफ्टर दैट जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग होता है उनको हायर कर लेते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ डिजर्विंग का लफ्ज नहीं बोलना, ठीक है, जिससे ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है, डिजर्विंग इज समथिंग एल्स. मैं आपको बताऊँ सबको, देखें जब एम्प्लॉयर एक एड जॉब एड भेजता है तो उनके पास थाउजेंड्स ऑफ कलेक्ट होती हैं सीवीज एप्लीकेशंस. ठीक है, वो क्या करते हैं कि पहले वो लॉन्ग लिस्टिंग क्या होती है, कुछ उन्होंने एक नंबर सोचा होता है यार कम अज कम ये 1000 तो नहीं बुला सकते, 200 लॉन्ग लिस्ट करें. पहले उनको लॉन्ग लिस्ट में ले आते हैं यार ये 200 बंदे हमारे से रेलिवेंट है. फिर क्या होता है, उनको फर्दर एक और इंडिकेटर पर डालते हैं कि मोस्ट रेलिवेंट के ऊपर डालकर फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और हमेशा शॉर्ट लिस्टिंग की बेसिस के ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. ठीक हो गया, जब आपको शॉर्ट लिस्टिंग कर ली जाती है और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है, ठीक हो गया, तो फिर प्रोसेस क्या होता है, अगला आपके इंटरव्यू का सिलेक्शन प्रोसेस होता है. हमेशा एक बात बता दूं, बहुत से इदारे ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल्ड है वो अपने लोगों के टेस्ट भी लेते हैं, अपने जितने भी उनके एस्पायरेंट्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनको टेस्ट भी लेते हैं. मतलब मैं अगर आपको बताऊं टेलीनॉर, करीम, उबर, इसी तरह से मोबलिंग,
जोंग, ठीक है, एंग्रो, ये वो इदारे हैं जो यूजुअली अपने अपने जो उन्होंने हाई प्रोफाइल जो लोग रखने होते हैं तो उनका इंटरव्यू भी टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। सो याद रखिएगा कि आपका जो सीवी होता है ना वो आपके टेस्ट को आपके लिए टेस्ट अरेंज करने का एक खास उनके लिए एक सोर्स होता है, ठीक हो गया। वो बहुत सारी सीवीज में से कुछ चीजें निकालते हैं फिर उसका टेस्ट भी बना लेते हैं। सो क्योंकि बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दैट, सो अब आपने करना क्या है, आपने अपनी सीवी के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोग अपनी मर्जी का, मैं अब आपको ना सागर पे जाता हूँ ना खुद जाता हूँ, अपनी मर्जी का तो अच्छा सा सिंपल सा टेम्पलेट आप बनाए, ठीक है। आप टेम्पलेट ढूंढे, टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद या उसको हाथ से बनाने के बाद उस पर आप अपनी पहली रॉ हैंड सीवी बनाए, ठीक है। सागर दो मिनट के लिए सबका माइक खोल दो, मतलब उनको या वन बाय वन जो हाथ रेज करे आप ये बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि जब आपकी सीवी जाए तो कैसा इंप्रेशन पड़ना चाहिए एम्प्लॉयर के ऊपर, और सिलेक्शन कमेटी को क्या ऐसा लगे कि मतलब वो आपको अपनी फर्स्ट चॉइस बनाए। जी प्लीज, एवरीवन विल हैव टू स्पीक ऑन दिस नाउ। गाइस वन बाय वन वॉलंटरली आप लोग जो है वो अपने जवाब दे सकते हैं। सर मैं बोलता हूँ। सर देखें, हेलो, जी जी बोलें, जी प्लीज, सुन रहे हैं आपको। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर हमें हायरिंग करती है तो उनके पीछे उनका कोई एम या गोल होता है। अगर हमारा कोई गोल होता है, एम होता है कि हम किसी कंपनी में जाके जॉब करें, तो उनका भी एक एम होता है कि हमारे पास वो एम्प्लॉय आए कि जो हमारी कंपनी के अच्छे ऑब्जेक्टिव, अच्छे काम करें। अभी हमारे अंदर क्या चीज होगी जो हमें वो मतलब हमें हायरिंग करेंगे? सर जहाँ तक मैंने सीखा है कि हर बंदे के अंदर वो क्वालिटी है कि जो दूसरे में नहीं है, ठीक है। अब वो आप अपनी एक स्किल जिसमें आप अच्छे हैं बहुत, और वो आप उधर मतलब अच्छे तरीके से अगर आप शो करेंगे और आपकी अच्छी एक स्किल है और वहां आप उनको अगर वो चीज आपकी उनको अच्छी लगेगी तो ऑब्वियसली उनको आपको वो हायर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एग्री। कोई भी स्किल हो सकती है, इट कैन बी लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपिंग, जो भी चीज होगी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा सागर, ये बताइएगा कि हमारे पास ओपन डिस्कशन सेशन के कितना टाइम है, कब स्टार्ट करना है? सर अभी हमारे पास टोटल जो है वो 20 मिनट्स हैं। और अच्छा बस ठीक है, ओपन आप एक काम करते हैं, अब हम सेशन को ओपन करते हैं। अच्छा एक असूल तमाम लोग सुन लें कि डिस्कशन सेशन जो हमने ओपन करना है, ओपन डिस्कशन सेशन हमने कर देना है, इसमें सब बोलेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब कोई दूसरा बोल रहा है उसको इंटरप्ट ना करें। और एक बात और भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग अपने तमाम क्वेश्चंस को सागर को भेज दें, ठीक है, मैं उसको वन बाय वन रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा अगर यहाँ रिस्पॉन्स ना हो सका। और दूसरा ये कि मुझे मंडे को मुझे हर बंदे की एक रॉ हैंड सीवी मुझे सागर भाई ईमेल करेंगे, मेरा ईमेल एड्रेस उनके पास है। देखिए दिस इज अ टास्क दैट विल हैव टू डू, हमें सबको करना है, तो अगर आप लोग एग्री करेंगे तो मतलब देन फिर मैं आपको टास्क असाइन करता हूँ। So we are going towards the open discussion session now. अच्छा यहाँ पे दो चीजें मैं सर रिक्वेस्ट करता चलूँ, क्योंकि हम जो है वो एक लिमिटेड जो है वो वर्जन पे चल रहे हैं, तो हमारा सेशन जो है वो अगले 5 मिनट में हम रीज्वाइन करेंगे सेम लिंक के साथ, 4 मिनट में हमारा सेशन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा दोबारा। और दूसरी चीज ये जो आपने बेसिक टेम्पलेट कहा था उसके हिसाब से, तो आप लोगों को मैं जो है वो ग्रुप पे जो है वो अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर देता हूँ, आप तमाम लोग जो है वो मुझे और सर का भी ईमेल शेयर कर देता हूँ, ताकि आप टू और सीसी करके आप लोग अपने जो है वो सीवी टेम्पलेट्स बाय मंडे ईमेल कर सकते हैं। किसी को कोई इशू हो तो हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकता है बेशक, ठीक है जी। अगले 4 मिनट में हम रीज्वाइन करेंगे सेम लिंक जो व्हाट्सएप पे आप लोगों को तमाम को भेजा हुआ है, तो तब तक हम अपनी जो है जो भी डिस्कशन है हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी सर, मैं पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमें पहले जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी ऑब्जेक्टिव का मसला है, मैं आप सबको एक बात बता दूं, आप जितने भी लोग हैं, पहली बात तो मैंने आपसे उस दिन कहा था, एक रिक्वेस्ट करके गया था ना आप सबसे
कि आपने अपने आप के लिए क्या करना था, पहला काम अपने आप को क्या कहना था आपने, याद है किसी को? अगर मेरा सेशन पहला ठीक था, अच्छा था, तो ये एक बात मैंने आपको कही, आपने याद करनी, आपने सबसे पहले अपने आपको एक बात कहनी, क्या कहनी थी? हेलो जी शजा, आप बताएं। आपने कहा था आई कैन डू एंड यस यस आई कैन डू यस, जबरदस्त। और क्या कहा था खुद को, और क्या आपने करना? आपने एक ये भी कहा था वो आई एम इम्पॉसिबल, सेड आई एम पॉसिबल। गुड हो गया, ठीक हो गया। आप आज सबके सब एक अंडरटेकिंग मुझे दीजिएगा कि जिंदगी में ना दो लफ्ज ऐसे हैं, वही इम्पॉसिबल वाला, ठीक है, एक तो वो नहीं बोलना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, दूसरा नो, नो इन अ पॉजिटिव सेंस। आपको लगता है कि आपको कुछ लिखना चाहिए और आप खुद को नो कह रहे, तो यू विल नॉट डू दैट, नहीं करना ऐसा काम, आपने खुद को बकअप करना। मैंने आपसे कहा था कि खुद को बकअप करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो आज फिर वही बात मैं करूंगा आपसे कि आपको पता है सागर आपके लिए कितना कमिटेड है, आपको पता है आपका ही एक दोस्त, आपका ही एक क्लास फेलो, वो कोशिश ये कर रहा है कि कुछ ऐसा कर जाए कि जिससे सबका फायदा हो जाए, ठीक है। सो व्हाई नॉट यू लिफ्ट योरसेल्फ, अपने आप को क्यों नहीं बकअप कर रहे हैं आप? एक चीज में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इन तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ जो हमारे साथ मौजूद है। मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप आए हैं और आपके ही कुछ कोलीग्स हैं, हम मेरे कुछ मेंटर्स और सीनियर्स भी रह चुके हैं जो कि इसी दो से तीन घंटे के सेशन के $50 चार्ज कर रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हमें पार्टिसिपेशन, हमें जो है वो कोलैबोरेशन दो ताकि आपके साथ मिलके ही हम ये सेशन जो है वो प्रीमियम सेशन $50 में पार्टिसिपेट और जो है वो वेबिनार लॉन्च कर सके, और यही सेशन हम इन्हीं पार्टिसिपेंट्स को फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। देखिए वही बात है ना, मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि अब आप ये देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, ये अपॉर्चुनिटी और ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अच्छा आप अभी हम लोग बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, भाई मैं तो बात समझता हूँ सागर और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट बच्चे यहाँ मौजूद हैं, कोविड हैज बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु वांट टू डू समथिंग फॉर देयर सेल्फ, फॉर द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। एग्जैक्टली सर, कोविड ने बहुत हमारी लाइफ को बेहतर किया, मैं कहता हूँ हमने अपनी फैमिलीज को रिज्वाइन किया, हमने अपने अपने नियर्स एंड डियर्स को रिज्वाइन किया, ठीक है। और मैं एक और आपको बताता हूँ, आप देखिएगा लाइफ का स्पैन चेंज होने वाला है, लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा अभी हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, हमने एक मिनट बाद दोबारा से रिज्वाइन करना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज तमाम 15 अभी आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वी हैव टू डू अ लॉट ना। सो यू सागर, आप इनसे सीवी टैबलेट शेयर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सेशन के एंड पे मैं जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ये, और मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी जो है वो हमारे सेशन के एंड पे जूम चैट पे भी जो है वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेज दूंगा सबको, इनकेस अगर कोई जो है वो व्हाट्सएप